नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं दिनेश चौहान आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वह है हरियाणा सब इंस्पेक्टर। हरियाणा सब इंस्पेक्टर, वैसे तो सब इंस्पेक्टर की अगर ये जो नौकरी है, किसी भी स्टेट में चले जाइए, बड़ी काबिले तारीफ़ नौकरी होती है। एंड ये बहुत ही की पॉइंट और की पर्सन होता है पुलिस डिपार्टमेंट का। एक ऐसा पर्सन है जिससे कि पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट कंट्रोल होता है और पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इससे रेगुलेट होता है। अर्थात अगर देखेंगे तो किसी भी जगह, चाहे वो राजधानी हो, चाहे आपका गांव हो, कुछ भी हो, किसी न किसी थाने के अंदर आता है। और जब किसी थाने के अंदर आता है तो ज़्यादातर जो हम देखते हैं गांव वगैरह में, तो छोटे जो थाने होते हैं या नॉर्मल थाने होते हैं, तो वहाँ पर एक दरोगा बाबू बैठते हैं। और दरोगा बाबू और कुछ नहीं, वो कौन है, सब इंस्पेक्टर कहलाते हैं। और ये जो सब इंस्पेक्टर होता है, ये एक बहुत अपने आप में एक वैल्यूएबल पोस्ट मानी जाती है। लोग कहते हैं लगेगी वर्दी, चमकेंगे सितारे, दुनिया देखेगी हमारे नज़ारे, है ना। तो चलिए आज इसकी चर्चा करते हैं आखिरकार कि हरियाणा पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर है, इसकी क्या क्या योग्यताएं मांगता है इस पे जाने के लिए, और साथ हम इसकी तैयारी कैसे करें। और साथ ही साथ आप लोगों में से अगर कुछ ऑनलाइन क्लास के इच्छुक होंगे, या जिनको लगता है किसी के मैथ में कमजोरी है, किसी में रीजनिंग में, किसी के जीके में, किसी कहीं भी, तो आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको लगता है। तो शुरू करते हैं। आपको पता 400 पद स्वीकृत हुए हैं और 400 पदों के लिए फॉर्म भरे गए हैं हरियाणा सब इंस्पेक्टर के लिए। इस पे ग्रेजुएशन डिग्री आपके लिए पास कंपलसरी मांगा गया है। हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट आपका 83 सेंटीमीटर से बिना फुला या फुला करके 87 होना चाहिए, आपको पता है। और इस पे तो 4 सेंटीमीटर ही मांग रखा है कि बिना फुला दे, तो कुल मिलाकर के आपका 87 हो जाएगा। गर्ल्स के लिए हाइट जो मांगा है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी बात है गर्ल्स में और बॉयज़ में, आपको पता हाइट का थोड़ा क्या होता है, डिफरेंस है। तो आपको पूरी तरीके से, जब आपका फिजिकल स्टैंडर्ड हो या जो भी आपका, या अभी आप जो भी आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को किसी का फिजिकल स्टैंडर्ड इतना ना हो। कुछ लोग होते हैं जो एग्ज़ाम देने जाते हैं सिर्फ जस्ट फॉर चेक करने के लिए, टेस्ट के लिए, तो वो भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब बात करूँ मैं अगर इसमें, तो सबसे पहले 21 से 27 साल तक के हर युवा इस पे फॉर्म भर सकते हैं, जनरल की बात कर रहा हूँ। बाकी एससी एसटी ओबीसी किसके अकॉर्डिंग, हरियाणा सरकार के अकॉर्डिंग लगेंगे। जनरल मतलब भारत के किसी भी राज्य का व्यक्ति हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर में अप्लाई कर सकता था और एग्ज़ाम दे सकता। अब बात करें अगर हम इसके थोड़ा सा कुछ चीज़ों के बारे में कि इसका ग्रेड पे क्या है, लेवल सैलरी, लेवल 6 की सैलरी इसकी मिलती है 34,500 इसका जो बेसिक वेतन है, और इसमें डीए वगैरह मिलाकर करीब कुछ लाख पहुंच जाता है, 50 समथिंग, ठीक है। अब इसकी हम बात करेंगे अगर नॉलेज टेस्ट और इसकी सील टेस्ट की, तो इसका भी सिंपल है, 100% का अगर एग्ज़ाम होगा आपका, तो इसमें टेस्ट सीरीज़ बना दी गई है, टेस्ट बनाया गया, टेस्ट का जो प्रोग्राम बनाया गया है वो 80% आपका नॉलेज टेस्ट होगा। तो 10% कहाँ से आता है, 10% का रिजर्वेशन होता है इन लोगों का। 10% मतलब जैसे मान लीजिए कोई हरियाणा डिपार्टमेंट का लड़का है, हरियाणा डिपार्टमेंट में कोई काम कर रहा है उसका बच्चा है, या कोई स्वतंत्रता सेनानी है उसका कोई बच्चा, तो उनको उसी के आधार पर नंबर दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा नंबर दिए जाते हैं। 80 नंबर में सबको बुलाया जाता है। और नॉलेज टेस्ट होगा, 100 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल ठीक है। और साथ ही साथ इसमें जो क्वेश्चन होते हैं बायलिंगुअल होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। तो पहले बात तो ये दरपूर क्या क्या पूछे किसमें, पहले जनरल स्टडीज़। तो फिर से हम एक चीज़ को समझते हैं थोड़ा कि इसके एग्ज़ाम में क्या क्या आपको तैयारी करनी है। हम चार चीज़ें बनाते हैं, चार दिशाएँ हमारी। पहला हमारा सबसे बहुत महत्वपूर्ण इसमें इस तरह जीएस और जीके का, क्योंकि इसका जो परसेंटेज रेशियो रहता है वो 40-50%, बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसमें आते हैं। अगर आप तैयारी करेंगे ईमानदारी से तो आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा इसमें। दूसरा, इसमें रीजनिंग आपको थोड़ा तैयार करनी है, मैथ तैयार करनी है, और आपको कंप्यूटर तैयार करना है, ठीक है। ये आपको करना है क्योंकि 10 क्वेश्चन इसके कंप्यूटर के इसमें ऐड कर दिए जाते हैं, टेस्ट क्वेश्चन रिलेटेड, तो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आते ही आते इसमें। तो इस प्रकार से ये आपका जो जो भी एग्ज़ाम भी जो पूछता है, जो भी क्वेश्चन आते हैं, वो 10+2 लेवल तक के क्वेश्चन का एक इसमें इस तरह रखा जाता है। और बाकी जो फिजिकल जो स्क्रीन टेस्ट की बात करें तो सेम है, वही लगभग 2.5 किलोमीटर आपको
दौड़ होती है आपकी 12 मिनट में, गर्ल्स के लिए आपका 1 किलोमीटर 6 मिनट में और एक्स सर्विस वन के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट में। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको ले जानना है। देखिए हरियाणा जो SI है, हरियाणा SI, इस पे सबसे बड़ी बात है आपका जो एग्ज़ाम है पूरा पैटर्न SI का और कांस्टेबल का, तो ज़्यादातर बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है उन्होंने दोनों का फॉर्म भरे होते हैं, SI का भी और कांस्टेबल का भी। अच्छा, उन्हीं की वजह से थोड़ा सा आपको क्या होता है, कांस्टेबल में भी थोड़ी मतलब कट ऑफ हाई जाती है क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन कर रखी होती है SI लेवल की, और जब वही कांस्टेबल के एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो वहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन SI लेवल पर बिल्कुल सब बराबर हो जाते हैं। अब SI लेवल में आपको अगर तैयारी करनी है और अच्छे से समझना है इस चीज़ को, थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखें, इसका जो मैंने आपको सिलेबस बताया इस सिलेबस के बिंदुओं को थोड़ा ध्यान से रखें। अभी भी आपके पास अगर 2 मंथ भी है मतलब 60 डेज, तो 60 डेज की प्लानिंग हम 4 दिशाओं की करेंगे और अपने आप को 8 से 10 घंटे पर डे दीजिए। GK GS में आपको पूरा करंट जो भी पॉलिटिकल हरियाणा स्पेशल ये सब करना है, रीजनिंग में, रीजनिंग के लगभग सभी टॉपिक आप अभी तक जो भी एग्ज़ाम देते हुए हैं उन सभी में वही आता है, तो उसकी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। बात करें मैथ्स की, बहुत सारे लोगों की मैथ्स थोड़ा वीक होती है तो कोई बात नहीं है। मैथ्स के लिए क्या कर सकते हैं आप कि कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, परसेंटेज है, रेशियो है, या आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाता है जानते हैं आप नंबर सिस्टम, ये सब कर सकते हैं। और कंप्यूटर, 10 नंबर का कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर में पूछा क्या जाता है कंप्यूटर के बारे में, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर की मतलब भाषाएं जो है C++ है, या कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कौन सा है, या इनमें से सुपर कंप्यूटर अभी लेटेस्ट कौन सा है, या किस देश का सुपर कंप्यूटर सबसे तेज है, तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन बन जाते हैं जो कंप्यूटर नॉलेज से होते हैं, या ऐसे क्वेश्चन होते हैं माइक्रोसॉफ्ट इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है अगर आप थोड़ा सा भी इसको समान तरीके से 10 से 20 घंटे भी अगर इसको दे दीजिए तो आपको 10 में से 8 नंबर इसके मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, आपको अगर आपकी तैयारी है तो बढ़िया है, नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑनलाइन क्लासेस हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे 1 से 2 महीने के अंदर आपका पूरा का पूरा कोर्स कवर करवा दिया जाएगा हरियाणा स्पेशल सहित। और आप अगर क्लास हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर है 9752874608, इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, फिर से बता दे रहा हूँ 9752874608। आपको सारी की सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन, क्लास कैसे दी जाएगी, क्लास कितने दिन में ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और तरीके से आपको कोशिश की जाएगी कि आपकी जितनी भी डिमांड है जो भी चीज़ें हैं आपको प्रोवाइड की जा सके। देखिए क्या है दोस्तों, चांस मत खराब करना, 400 पोस्ट सब इंस्पेक्टर की हरियाणा में बहुत मायने रखते हैं। अब इस पे हो गया कि एक एक नंबर आधे आधे नंबर से बच्चे छटना शुरू हो जाते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है एक तो ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी ले डूबता है, ऐसे ले डूबता है जैसे हमें लगता है कि हमारी तैयारी पूरी हो रखी है और हम उसकी पढ़ाई नहीं करेंगे। तो जब अगर रिवीजन नहीं करोगे तो सामने जब ऑप्शन आएगा तब दिमाग खराब होगा, इसलिए क्योंकि लगेगा यार ये सब्जेक्ट तो मैं पढ़ा था, काश रिवीजन कर लेता तो ऐसा गलती नहीं होती। और एक नंबर से आप इतने एलिमिनेट हो जाएंगे, इतने दूर चले जाएंगे कि फिर आपको अगले साल जब वैकेंसी आएगी तब देखा जाएगा, फिर क्या होगा पता नहीं। तो इस बार किसी प्रकार का चांस नहीं लेना। सारे हरियाणा के सभी भाइयों से, सभी बहनों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी तैयारी को फिर से नई दिशा दीजिए, तरीके से करिए। कंपटीशन बढ़ रहा है, लोग नए नए बच्चे आ रहे हैं, नई यंग जनरेशन आ रही है, उसका अपना पढ़ने का अपना स्टाइल अलग है, स्ट्रेटजी अलग है, तरीका अलग है, और आप अभी एक नए उसी पुराने ढर्रे से चल रहे हैं जिसकी वजह से आप कई बार पीछे महसूस करते हैं। तो नई चीज़ शुरू कीजिए, आप नए तरीके से पढ़ना शुरू कीजिए। आप हरियाणा के किसी भी कोने से, कोई दिक्कत नहीं, चौहान अकेडमी आपके घर में, आपके मोबाइल में, अगर आपसे मोबाइल बस थोड़ा सा यूट्यूब चलाना आता है तो चौहान अकेडमी आपके पास है। अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी, मैं कहता हूँ से मैथ नहीं आती, शुरू करिए मैथ, रीजनिंग शुरू करिए, GK शुरू करिए, और हमें पिंच करिए, बताइए सर मुझे ये प्रॉब्लम है इसमें, हम आपको पूरी गाइड करेंगे, पूरा चीज़ प्रोवाइड की जाती है। क्योंकि ऑनलाइन क्लास का मतलब ही है आपको हम यहाँ बैठ करके आपके घर पर, आपके मोबाइल पर, आपके हथेली पर पूरा का पूरा ज्ञान निचोड़ करके रख देंगे। अब आवश्यकता है कि आप उस ज्ञान को कितना आत्मसात कर पाते हैं
और आप जितना आत्मसात करेंगे उसी प्रकार से आपका रिजल्ट बनेगा, और उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। वीडियो के नीचे लिंक पर आने वाले समय में जो वीडियो जो आपका हरियाणा सब इंस्पेक्टर का जो टेस्ट होगा उसका टेस्ट सीरीज का लिंक भी इस मतलब वीडियो के नीचे मिलेगा आपको, तो चौहान अकेडमी के आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन बस यही रिक्वेस्ट है कि आप ईमानदारी से मेहनत करिए, इस बार इस 2 स्टार की वैकेंसी को नहीं जाने देना है, क्योंकि अगर ये चली गई यहाँ से तो फिर साल भर आप हाथ मलते रह जाएंगे और पता नहीं अगली बार इतनी पोस्ट आएंगी भी या नहीं आएंगी, तो नहीं जाने देना है। 400 में 400 पोस्ट लेके आनी है, अपनी तो एक ही सीट है यार, है ना, अपना एक सीट सिक्योर कर लो कि मुझे एक सीट चाहिए, बाकी मुझे क्या मतलब। ठीक है, चलो ओके, टेक केयर, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।